हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं? आज का हमारा मेन टॉपिक है COP26। देखिए, COP26 बिल्कुल लिंक्ड है आपके किस टॉपिक के साथ? ये लिंक्ड है आपके नेट जीरो, जो कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया है ये उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी कि कल जैसे हमने आपको बताया था कि अब जितने भी ये लेक्चर्स आएंगे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। पहला लेक्चर हमने देख लिया किसके ऊपर? नेट जीरो के ऊपर। आज हम देखेंगे कि नेट जीरो के लिए यहाँ पे COP26 के अंदर क्या क्या यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन आई मीन टू से कि क्या क्या यहाँ पे स्टेप लिए जाएंगे, कौन सी कंट्री ने अपने क्या यहाँ पे नेशनली, यानी कि जो NDC थे कितने उन्होंने अचीव किए, उनके क्या टारगेट थे, उनके क्या गोल्स थे, वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उनके बारे में बातचीत हुई है। अडेप्टेशन क्या होते हैं, मिटिगेशन क्या क्या किए जाएंगे एज पर COP26 के अंदर, क्या क्या यहाँ पे डिसीजन लिए गए, ये सारा रहेगा आज के लेक्चर में। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे खबर आ रही है कि COP26 बेसिकली है क्या। यहाँ पे जैसा आपने एक नाम सुना है COP26, तो सबसे पहले यही जानना है कि ये वर्ड क्या है, COP26। सबसे पहले हम इसको जानते हैं 26 मतलब कि क्या। 26 मतलब कि अब तक 26 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी है जिसके अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा फोकस्ड रहा है, जिसके अंदर कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ये बहुत सारे अलग अलग लेवल पे बातें की गई है। जैसे आपकी इसमें पेरिस क्लाइमेट डील भी होती है, पेरिस एग्रीमेंट भी है इसके अंदर आता है आपका, और आपके रियो जो अर्थ समिट है वो भी इसके अंदर आता है, किगाली प्रोटोकॉल, और इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट और कन्वेंशन आते हैं, ठीक है, जो इसके तहत यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आपको देखना है कि ये 25th आपका क्या था, सेशन था, और COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP का क्या मतलब है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, UNFCC, राइट। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें मेन फोकस किसके ऊपर था? ग्लोबल नेट जीरो को कैसे अचीव करना है, और यहाँ पे टारगेट लिया गया है 2050 तक का कि हम ग्लोबल लेवल पे नेट जीरो कैसे अचीव कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं साइड हो गया, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको पूरा। तो यही हमने देखिए कल का जो लेक्चर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दिया था क्योंकि अब हमारे को ये जो लेक्चर है डिस्कस करने में बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि पता है कि ग्लोबल नेट जीरो यानी कि नेट जीरो हम बात कर रहे हैं, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, राइट। सवाल ये आता है कार्बन बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया इसके अंदर। देखिए, नेट का मतलब क्या होता है, प्लस करके और माइनस करके आपके पास कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं सर प्लस और माइनस मतलब, यानी आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, जरूर देखिए कल के लेक्चर में, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि आपने कितना कार्बन एमिट किया है और उस कार्बन को आपने एब्जॉर्ब कितना किया है, जैसे आपने फॉरेस्ट कितने लगाए, आपने कार्बन रिमूवल के लिए क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज के अंदर आपने अपडेशन किया, और किस तरीके से आपने पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए, ये आ जाएगा आपका माइनस के पार्ट में। आपने कितना प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन की वजह से कितना कार्बन एमिट हुआ, यानी कि यहाँ पे कार्बन एमिशन के ऊपर अब ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, किसके ऊपर दिया जा रहा है, आपने जितना एमिट किया है नो वरी, लेकिन आपने उसमें से कितने कार्बन को सिक्वेस्टर किया है, यानी कि उसको आपने कितना एब्जॉर्ब किया है, कितने उस जो एनवायरमेंट में आपने रिलीज किया था एनवायरमेंट से वापस आप उसके ओरिजिन सोर्स पे लेके आए हैं, तो ये पूरा आपका क्या कंसेप्ट है, नेट जीरो। तो चलिए एक मिनट में हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपकी ये 26th सेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपके ग्लासगो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोकेशन ही देख लेते हैं, ग्लासगो कहाँ पे लोकेटेड है। ग्लासगो आपका लोकेटेड है जो यूनाइटेड किंगडम, आपने सुना है ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अरे ब्रिटिशर्स के नाम से हमने हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट भी हैं जिसके अंदर ब्रिटिशर्स के नाम आते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सिचुएटेड है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है ग्लासगो, राइट। तो ये जो इवेंट हुआ है COP26 का कहाँ पे हुआ है, ग्लासगो के अंदर हुआ है, राइट। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये लोकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ है, तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप भी बनाने की कोशिश करते हैं विद इन 30 सेकंड के अंदर। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम एक्चुअल लोकेशन चेक कर पाए कि कहाँ पे आपके यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन मौजूद है, राइट। बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहे हैं, चाहे तो आप एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बहुत जल्दी डायग्राम बन जाता है इससे। ये आपका कौन सी लोकेशन है, कभी हम करेंगे मैप पॉइंटिंग की भी एक अलग से सीरीज चलाएंगे कि मैप आपको कैसे बनाना है विद इन 30 सेकंड के अंदर, ये सारी उसके अंदर आती है। यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड है, राइट। तो यानी कि कहाँ पे हुई है अभी ये,
यूके के पास हुई है। चलिए हमने क्या 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 देख लिया, हमने लोकेशन देख ली है, कहाँ पे वो लोकेटेड है वो भी देख लिया, मैप कैसे बनाते हैं, मैप तो भले ये चीज़ें आती हैं आपके प्रैक्टिस के साथ आती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो आपको यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती क्या है? क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोई गवर्नमेंट है? नो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज मतलब आपके जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके अंदर आपके IAS ऑफिसर आ सकते हैं, या फिर आपके जो एनवायरमेंट से रिलेटेड पैनलिस्ट हैं वो आ सकते हैं, और इसके अंदर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो आएंगे आपके सारे, प्लस में बिजनेसमैन भी यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए बिजनेसमैन क्यों पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो भी पॉलिसीज लगेंगी या जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होगा, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा बिजनेसेस के ऊपर। तो इस तरीके से बिजनेस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, NGO भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाता है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इनके विचार विमर्श है किस तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि क्या बन जाती है फिर, ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है ये, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। यहां तक देखिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए आप, नहीं चलिए फिर नेक्स्ट। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, यानी कि जो COP 26 हुई है, इसके अंदर किन किन मेजर बातों के ऊपर हाईलाइट किया गया? सबसे पहले अडेप्टेशन की बात की गई है। अडेप्टेशन की बात की गई, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है नो डाउट, लेकिन उस टेम्परेचर को किस लेवल तक राइज करने देना है, कैसे उसको कम करना है, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगे आपके अडेप्टेशन के, यानी कि आपको वाइटल यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टेम्परेचर आपका ऑलरेडी 1.5 इंक्रीज हो चुका है, राइट, जो हमारा टारगेट है कि हमें 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है एज पर पेरिस एग्रीमेंट, इसको किस तरीके से हम टैकल करेंगे, यानी कि जो गैप है बढ़ता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे अडॉप्शन किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, फाइनेंस की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, क्योंकि वो अभी भी किस स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है, और जो इनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो इनके पास इतना इनफ फंड होता नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे मशीनरी बनती है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था, $100 बिलियन का बोला गया था कि आप फंड एलोकेट करें ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजीज को बेटर कर पाए, रिसर्च अच्छी कर पाए। वो भी क्या है, यहाँ पे गैप देखने को मिला है, यानी कि जितनी अवेलेबल होनी चाहिए और जितनी रिक्वायरमेंट है उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गैप है, इसलिए एक अर्जेंट लेवल पे इसको क्या करने की जरूरत है, स्केल अप करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो कार्बन एमिट हो चुका है उसको किस तरीके से वापस लेके आया जाए, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट जीरो की, और यहाँ पे टारगेट रखा है 2050 का, यानी कि 2050 तक हम करेंगे नेट जीरो, किस चीज में, जितना हम एमिट कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन 2050 से पहले जितनी हमारी कार्बन ऑलरेडी एमिट हो चुकी है उसको किस तरीके से हम एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उसको किस तरीके से एनवायरमेंट से बाहर निकालेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे सारे डिस्कशन हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे NDC भी, इसके ऊपर भी बात हुई है, किस तरीके से बहुत सी कंट्रियों ने अपने लेवल पे नेशनल डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बात की और उसको इम्प्लीमेंट किया, और कई सारे देशों ने काफी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, राइट। कहीं ना कहीं इंडिया की जब बात आती है, इंडिया ने भी यही तर्क रखे थे कि भाई हमें अलग अलग किस लिए कोई टारगेट की रिक्वायरमेंट है, हमने ऑलरेडी जो यहाँ पे डिसीजन लिए हुए क्यों ना हम उसी के ऊपर बात करें, उसी को इम्प्लीमेंट करें, राइट। यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है, फाइनेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई भी डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ये बोलती है भाई यहाँ पे हमने मेहनत की है, हम कैसे आपको मलाई दे दें। तो यहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है ठीक है आप मलाई की चिंता करो, लेकिन यहाँ पे जब आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सी लेवल इंक्रीज होगा, आप सबसे पहले डूबोगे। तो यहाँ पे क्या है, उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन है, अगर मदद करेंगे तब भी उनका नुकसान, नहीं करेंगे तब भी उनका नुकसान, एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर इन रियलिटी देखें, डेवलप्ड कंट्री अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं, कहीं ना कहीं वो एक बेटर पार्टनर को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे और उनके साथ अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस रिलेशन, अलग अलग डायमेंशन पे वो काम कर पाएंगे उस कंट्री के साथ। यही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 100 बिलियन का गोल था लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसी के लिए बात हुई है कि इसको किस तरीके से जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड ये किया जाए और इसका यूटिलाइज किया जाए, राइट। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उठाया गया था, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है उससे लॉस और डैमेज होंगे नो डाउट,
किनको होंगे, जो कंट्री कोस्टल एरियाज के अंदर रहती है उन कोस्टल कंट्रीज के अंदर जो डैमेज होने वाला है उसको कौन टेक केयर करेगा, राइट। इसके लिए भी क्या है, अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट है, एक्शन इसके ऊपर लिया जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया ने यहाँ पे 5 बड़े वादे किए हैं किसके अंदर, जो ये क्लाइमेट चेंज हुई है, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए जो यहाँ पे COP26 की जो इवेंट हुआ था ग्लासगो के अंदर, वहां पे इंडिया के 5 सबसे बड़े क्या है पॉइंट इन्होंने बताए। सबसे पहला क्या है, अचीव करना नेट जीरो को 2070 तक। लेकिन COP26 कितने में बोलता है, COP26 बोलता है कि 2050 तक। इंडिया बोलता है भूल जाओ, किसी भी हालत में हम आने वाले 3 दशक तक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम नहीं कर सकते। ये कल के लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या बात की है, हम कम करेंगे 1 बिलियन टन 2030 तक, कार्बन को हम कम कर देंगे 1 बिलियन टन। तीसरा हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, तीसरा हमने टारगेट रखा है कि 50% जो हम आज की डेट में एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, वो किससे आएगी, आपकी टोटल रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन सी आपकी विंड एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी आ गई। थर्मल एनर्जी में हम न्यूक्लियर को नहीं ले सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेस्ट मटेरियल जनरेट करता है और वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फोर्थ यहाँ पे इन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्या इन्होंने गोल सेट किया है, 45% हम कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। यानी एक चीज आपने देखी है, हम कार्बन जो न्यूट्रल है, जितना रिलीज करेंगे उतना ही अब्सॉर्ब कर लेंगे, 2070 तक हम कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे होंगे 2030 तक। हमारे बहुत सारे टारगेट ऐसे हैं जो हमने 2015 के बाद जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसके साथ हमने अपनी पॉलिसीज को अलाइन किया हुआ है और वो अचीव होती भी दिख भी रही है। और यहीं पे हमने अपना एक और एम्बिशियस टारगेट था उसको एनहांस किया है, 500 गीगावाट किससे करेंगे हम, नॉन फॉसिल एनर्जी से इस पूरी जो श्रृंखला इसको अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे एक और चीज हमें क्या देखने को मिलती है, इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी की एक स्पीच थी, उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे बातें बोली है जो कि मेरे को आपको भी सुनना चाहिए। 12 मिनट की स्पीच है, उन्होंने उसके अंदर क्या बोला है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडिया को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, इनडायरेक्टली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोली कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो इस तरीके की इनिशिएटिव लेती है, नो डाउट, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पे पूरा नहीं किया गया। एग्जाम्पल लिया था उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, बहुत सारे यहाँ पे बोला गए थे कि हम कार्बन लेवल को कम करेंगे, कम करने की बजाय उनका क्या हुआ है, कार्बन मतलब जो टारगेट था उसका एक्सीड हुआ है, राइट। पहली बात ये बोली गई, दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है फाइनेंस से रिलेटेड, ये बोली गई है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सो यू शुड ट्रांसफर योर टेक्नोलॉजी एंड मनी सो दैट वी कैन एनहांस आवर प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे जो कार्बन का लेवल है उसको कम किया जा सके। और लास्ट में अपने स्पीच को एंड करते हुए उन्होंने ये बोला है कि मैंने स्पीच में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन ये इंडिया एज ए कंट्री की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एज ए डेवलपिंग कंट्रीज के हेड के तौर पे, लीडर के तौर पे क्या करें, अपने आप को प्रेजेंट करें और उन सबकी बातों को इस इंटरनेशनल मंच के ऊपर रखें। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को कट किया जाएगा, बात ही नहीं हो रही है इसकी, क्योंकि सबसे बड़ा कल्प्रेट कौन है, फॉसिल फ्यूल है जहां से कार्बन एमिट हो रहा है, बात नहीं हो रही है। तो इसको जितने भी एक्सपर्ट है वो किस नाम से बोल रहे हैं, दिस इज अ यूके ड्राफ्ट, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो ये यहां पे बोली गई है, दिस इज नॉन सेंसल, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। इंडिया के इस पर ये जो पर्सनैलिटी, यहां पे जयराम रमेश जी का नाम लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमने क्यों डिस्कस किया, ऑल दो ये ऑपोजिशन के अंदर है लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी जो पोस्ट है उसको अभी होल्ड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है ये उसको हैंडल कर रहे हैं। इन्होंने सिंपल इसको क्या बोला है कि दिस इज अ बोगस क्लेम विच इज मेड बाय किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि सपोर्ट करने वाले और अगेंस्ट सारे मिलेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। और हम आंसर मान लीजिए जब हम यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं उसके उस टाइम आपके पास दोनों पॉइंट होने चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स, ताकि आप एक बैलेंस आंसर लिख पाए, राइट। लास्ट में फिर आप क्या करते हैं उसका कंक्लूजन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसकी यहाँ पे एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका COP26 था कहीं ना कहीं ये एसेंस कहाँ से उठा रहा है, ये पेरिस क्लाइमेट डील से ये अपने एसेंस को पिक कर रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा
वो रहेगा आपका पेरिस क्लाइमेट डील के साथ। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को करते हैं फिनिश। आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए नॉलेजेबल वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है और आप इतनी मेहनत से अपने ये जो नोट्स तैयार कर रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, और इसके बाद हमारा रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। हम क्या कर रहे हैं, जो आज चल रहा है ना उसके बैकडोर और पीछे और पीछे और पीछे जाते जाते हम पूरा जो इनिशियल पॉइंट है 1971 तक हम जाके देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, राइट? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सभी से हम विदा लेते हैं, नमस्ते।